सब्सक्राइब कीजिए एक्यू टेक हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में ये एरर आ रहा है तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। बहुत सिंपल स्टेप्स है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको विंडोज 11 की सेटिंग में आना है। स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर ऐप्स के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ऐप्स एंड फीचर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर यहाँ पर शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक कर एडवांस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर रिपेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए, रिपेयर हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रिपेयर हो गया है। फिर आपको यहाँ पर रिसेट के ऊपर क्लिक कर और एक बार से आपको रिसेट के ऊपर क्लिक कर देना है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर रिसेट हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आपको सेटिंग को क्लोज कर देना है। फिर आपको पीसी को एक बार रीस्टार्ट कर देना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का एरर जो है रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।